यहाँ के सपा विधायक नाहिद सर ने एक बेतुका बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भाजपाइयों की दुकानों से मुसलमान कुछ न खरीदे, उससे उनका घर चलता है। इसी बीच हिंदुवादी व भाजपा विधायक टी राजा सिंह लोध ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। केसरी भारत की रिपोर्ट। खरीदेगा, इनका रोजगार ठप कर दिया, इनके घर उजाड़ दिए। यहाँ से मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराने के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराने में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जा कर ले लो, चाहे पानीपत से जा कर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतरा इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही, हमारे ही, हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पर जो है जूता बजाया जा रहा। तो सभी से मेरी, आप सभी से, जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ, थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गाँव गुवांड के लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश के केराना का एक विधायक है नाहिद हसन, उसका मैंने वीडियो देखा। वो व्यक्ति, वो विधायक वीडियो में ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता रहे, जिसकी दुकान रहे, जिसका किराना स्टोर रहे, वहां से कोई भी मुसलमान सामान ना खरीदे। तो मैं उस विधायक को ये कहना चाहूंगा कि बेटा, अगर यही हम लोग सोचे, अगर यही काम अगर हम लोग करें, अगर तुम्हारे लोगों की दुकानों का अगर हम बहिष्कार कर दे, तो भूखे मर जाओगे, भीख मंग के तुम लोगों को खाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर एक नए भारत का निर्माण करना है, यह नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है। तो इस तरह के बयानबाजी देकर देश का वातावरण ना खराब कर दे और एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा ना करे। अगर वही काम जो तुम करने के लिए जो कह रहे हो, अगर वही काम अगर हम लोग करें, तो सोचो तुम्हारे जैसे लोगों की क्या परिस्थिति रहेगी, और तुम्हारे जैसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति रहेगी भारत।